जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हम पंडित प्रदीप जी मिश्रा के आश्रम में मौजूद हैं और भक्तों से बातचीत कर रहे हैं कि उनके उपायों में दम है कि नहीं है। वो पंडित प्रदीप जी मिश्रा के बताए गए उपायों पर कितना भरोसा करते हैं। यहाँ पर कई सारे परिवार बैठे हुए हैं, उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो पंडित प्रदीप जी मिश्रा जो उपाय बताते हैं उन पर कितना भरोसा करते हैं। तो आइए एक एक करके हम सभी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो पंडित प्रदीप जी मिश्रा के बताए गए उपायों पर कितना भरोसा करते हैं। जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मैम। कहाँ से आए हैं हम? हम झालावाड़ से, राजस्थान से। राजस्थान झालावाड़ से आए हैं मैम। पंडित प्रदीप जी मिश्रा जो उपाय बताते हैं उन पर आप कितना विश्वास करते हैं? करते ना, विश्वास करते हैं। आपको भरोसा है कि उन उपायों से कुछ असर होता होगा? हाँ, बिल्कुल भरोसा है, पूरा भरोसा है, पक्का पक्का। अच्छा एक बात और मुझे क्लियर करनी थी, मैं आप लोगों से पहले कभी मिला हूँ क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कई सारे मुझ पर भी आरोप लगाते हैं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा मुझे पैसा दे देते हैं और वीडियो देखी है आपकी, वीडियो भी देखा है आपको यूट्यूब, मुझे भी देखा है। अरे ये तो मेरा सौभाग्य है मैम। तो आप झालावाड़ से कब आए मैम? अभी कितना सुबह मॉर्निंग में आए। कुबेरेश्वर धाम आते रहते हैं? पहली बार आए हैं आप लोग? पहली बार आए। अच्छा मैम एक और मन में सवाल उठ रहा था, बागेश्वर धाम को आप टीवी में देख रहे होंगे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को, उनकी तर्ज पर कई लोग पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी घेर रहे हैं, उन पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पाखंडी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब विश्वास के ऊपर, सब पर ध्यान रहता है, अपनी अपनी सोच है, तो सबकी सबकी अपनी अपनी सोच है। सही है, रहेगा वहाँ तो जाएगी पब्लिक, कुछ भी है विश्वास है जो तो आएगी। आपका कुछ काम हुआ कि नहीं यहाँ से अभी तक? नहीं हुआ ना, हमारा परेशानी चल रही थी, धंधा रोजगार का, भगवान का। मनोकामना पूरी हुई है आपकी? बिल्कुल हुई। आप पूरे परिवार के साथ आए हुए? अच्छा अंकल आपसे भी एक सवाल था, मतलब यही सेम सवाल कि कहीं पंडित प्रदीप जी मिश्रा पाखंड तो नहीं फैला रहे? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सर, जिसकी जैसी सोचे वो तो वैसी सोचेगा, और लोग मान ही रहे हैं, आ ही रहे हैं आपके सामने। मतलब ये नहीं है कि किसी, ये जो लाखों की भीड़ है किराए भाड़े से नहीं लाई जा सकती? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई किराए भाड़े से थोड़ी ना आता है, स्वेच्छा जो जिसकी इच्छा रहती है वही आता है, दिल से जो याद करता है ऐसे थोड़ी ना आएगा। जो लोग आरोप लगाते हैं ना उन पर, वो इस तरह के लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं वो उनकी सोच है, वो वहीं तक सीमित है बस। और कथा सुनते हैं आप पंडित जी की? मुझे तो टाइम नहीं मिलता मगर घर में सुनते हैं सभी। हाँ। जो उपाय बताते हैं आप भोलेनाथ के मंदिर में जाते होंगे? हाँ, बिल्कुल करते हैं ना, बराबर बिल्कुल। आपका परिवार हमेशा खुश रहे, जो मनोकामना आप लेकर आए हैं वो पूरी करें भगवान। नमस्ते। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सिक्स क्लास में पढ़ते हो आप? अच्छा पंडित प्रदीप जी मिश्रा पर भरोसा करते हो? बिल्कुल। यस। थोड़ा लाउडली बोलो। करते हो कि नहीं? करती हूँ ना। तो यहाँ क्या मनोकामना लेके आए थे, कुछ ऐसा मन में था या फिर अच्छा बना देना भगवान ऐसे ही कुछ? ऐसे। चलो आपका भविष्य अच्छा रहे, आप फ्यूचर में अच्छा करो, देश की सेवा करो, है ना, यही कामना है। नमस्ते आंटी जी, आपका नाम क्या है? स्नेहलता। मैम पंडित प्रदीप जी मिश्रा पर यही सेम सवाल है मेरा, वो जो उपाय बताते हैं आप, तो मुझे लगता है कि आप करते होंगे, तो उन उपायों का असर होता है कि नहीं? असर का तो क्या पता, बाकी अपनी जो श्रद्धा है वो अपन बयां कर रहे हैं। मतलब एक थोड़ा विश्वास है पंडित जी के ऊपर? हाँ बिल्कुल है ना, क्यों नहीं, पूरा विश्वास है। पाखंड तो नहीं फैलाते? पाखंड क्यों फैलाएंगे, वो इतनी जनता के लिए, भाई एक के लिए एक के मन में पाखंड होता है, मगर इतना पूरा विश्व उनके लिए यहाँ आ ही रहा है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो पाखंड तो हो ही नहीं सकता ना। पाखंड तो उन लोगों के मन में है जो फैला रहे हैं ये बातें, पाखंड वाली बात जो ला रहे हैं, जो पाखंड शब्द बोलते हैं उनके मन में होता है ये सब, उनके मन में है पाखंड, जो पाखंड बोल रहे हैं। और क्या, बाकी आपको पूरा विश्वास है आपके पूरे परिवार को? क्यों नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी हमेशा खुश रहे। हाँ जी मैम क्या बोल रहे थे, एक बार कैमरे में बोल के दिखाइए। पंडित जी जबरदस्ती नहीं कहते कि आप मेरे इधर आओ, वो तो कहते टीवी पे भी सुन लो, आप मानो नहीं मानो वो आपकी सोच, वो ये थोड़ा ना बोलते कि नहीं आप यहीं आओ, क्या भीड़ इकट्ठा करो, वो तो ये भी कहते नहीं भीड़ इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है, पर विश्वास है, वो तो घर में ही पूछ रहे हैं, घर में उनकी मान रहे हैं, तो भी विश्वास हो रहा है। मतलब ये कि ऊपर होता है बस, अपना मन कैसा है, किस भाव से अपन भगवान भोलेनाथ को पूज रहे हैं,
उन्होंने तो ये भी नहीं कि आप भीड़ इकट्ठा करो, व्यवस्था बिगाड़ो, आप आपके घर पे भी सुनो, टीवी पे सुनो, मोबाइल पे सुनो, वो तो ये तो नहीं कहते हैं। वो तो इंसान की सोच है, वो गलत फैला रहे हैं कि वो बुला रहे हैं, कोई नहीं बुला रहा है। वो तो और मना करते हैं, अपने घर पे कर रहे हो, घर पे सुनो, वहाँ भीड़ मत बढ़ाओ। चलिए बहुत बढ़िया है, के अनुसार आ रहे हैं भाई, हमारे काम भी हो रहे हैं, जो सोच के हैं बस हमारे काम हो रहे हैं। भोलेनाथ करते ही हैं ये, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा ऊपर वाला है, अगर हम पंडित प्रदीप जी मिश्रा को साइड में भी हटा दें तो भगवान भोलेनाथ तो है। मानो आप करो, व्रत बता दे करो, आप ना करो, जबरदस्ती नहीं है। अपन पहले भी पूजन करते थे, अब थोड़े जागरूक हुए, बस ये है। हर बात में वो कहते हैं शिव पुराण कहती है, उनने कुछ अपनी तरफ से नहीं बनाया हुआ है, उनने पढ़ के ही बोल रहे हैं वो। पर ये तो इंसान की सोच है सब अपनी अपनी, ना वो कोई जादू टोना कर रहा है कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, उन्हें बस वो इच्छा है। जो पत्र पढ़ के सुनाते हैं मतलब वो भी आपको सच्चे लगते हो? 100% सच है, वो अपनी तरफ से थोड़ा ना लिख रहे हैं कोई। मैम बोल रही इतना टाइम ही नहीं मिलता उन्हें। टाइम का मिलता है उनको, गुरु जी को। बिल्कुल मैम, आपका परिवार हमेशा खुश रहे यही दुआ है, आपका सफर मंगलमय हो, है ना। थैंक यू सो मच समय देने के लिए। तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा के आश्रम में हम आते हैं और अलग अलग परिवारों के बीच बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, थोड़े से सवाल टेढ़े पूछ लेते हैं, लेकिन असल में हमारे दिल से पूछोगे तो हम भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा और भगवान भोलेनाथ के ही भक्त हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, आप पंडित प्रदीप जी मिश्रा पर विश्वास करें ना करें, लेकिन भगवान भोलेनाथ पर आप हमेशा विश्वास रखिएगा, आपका काम जरूर होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।